रामेश्वर जी काकड़ साहब, साथी पारस डूडी, सरपंच दीपक पूनिया, ब्लॉक मेंबर प्रत्याशी सुभाष तालनिया, सोसाइटी अध्यक्ष भागीरथ बाकर, ओम जी पूनिया और रामकुमार दद्दो, कृष्ण नायक और मारा तमाम गांव का साथी बूढ़ा बुजुर्ग मंच पर मारा कांगदेव जी राठौड़ साहब, श्रीदेव जी मंच पर मारा सरपंच साहिबान, विधानसभा प्रभारी इस्लाम जी कुरैशी साहब, हमारा राजा राम जी सरपे साहब, जेपी लूणा साहब, लाल जी मूण साहब, सुरेंद्र बराण साहब, पिंटू पुनिया साहब, बीके अध्यक्ष हनुमान जी सो, अनिल जी लाटा साहब और चंद्रपाल भाई पूर्व सरपंच, धर्मपाल जी लोहर साहब, दिलबाग जी मरा अंकल कसवा जी, जिला परिषद मेंबर और हमारा मंचपुर साथी जगह बैठे नीलू जी मेहरिया, ओम जी सो, सरपंच साहब शिव भगवानी नीलकड़ा, ऋषि बालका श्री विनोद धुओ, इनको प्रभारी है, साथी अनूप भी मंच पर है, दादू रामचंद्र मंच पर है, भरती झाजवा मंच पर है, गोपी सिंह को भी आ रहे था पूर्व सरपंच सोवाला, मैं को तोपा सारी आ रही है, भाकर साहब भी बैठे हैं, केर सिंह जी भाकर साहब, मैं सारा सम्मान करूँ, कोई जनप्रतिनिधि साथी सामना हो गया तो मेरी मत समझे जा, सम्माननीय बुजुर्गो नौजवान साथियों, विधानसभा को चुनाव है, रापा चौथो चुनाव लड़ा और गांव वापस नहीं जीतिया रंगी जीता है, अपने गांव में थोड़ी बार मैं आपा चले जाऊंगा, ठाकरे राजस्थान रोड में खड़ी होगी भाई, मैं थाना कहूंगा आपा हठू सभा करके चले जाऊंगा, थोड़ी बार मैं ठाकरे राजस्थान रोड में खड़ी होगी, गांव में पीएचसी खुल गई, गांव में स्कूल में आपा काम करी है, सारो गांव आपा पक्को करे है, गांव का खड़ा बढ़ने लाग रहे, खड़ा स्वीकृत हो गया, शिलान्यास हो गया, गांव में कोशिश आ रही आपा अमन सैन भाईचारो रखा, गांव में कोई साथी अपनों कोई दलाल को नहीं, लोग सीधा मेरो मिले, तहसील का लोग मिले थे गांव का तो देखे ही, मन कोई शक को नहीं, मन कोई शुभो को नहीं, मन कोई खतरों को नहीं, मेरी मिट्टी है आ मिट्टी, जगी मिट्टी में 23 साल पहले मैं इनकलाबी बीज बोयो, वे मिट्टी में इतना लोग पैदा होया कह मैंने राजस्थान की विधानसभा पहुंचाने में दिन रात एक करके मदद करी, मन गर्व है मेरी मिट्टी पर, जबकि मैं पैदा हुए सुबह पहले उठ के चलो पूरी तहसील में फिर गया, मेरी मिट्टी में राजस्थान का मुख्यमंत्री जी भी आया और मैं कह के गया कबलवान पुनियो मेरी कमजोरी है, बलवान पुनियो कहीं कमजोरी को नहीं हो, उसके मैं घरे आते हैं, सीएम साहब ने कहो बलवान पुनियो लोगों की ताकत है, सीएम साहब बोले तू गलत ले गयो बात ने, मैं तो आ कहो कि बलवान पुनिया की बात आ जा, कहीं और की बात आ जा, तो फिर बलवान पुनिया का नहीं मैंने चालना पड़े, बलवान पुनियो मेरी कमजोरी है, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की कमजोरी किया मर गयो थाने बेरो है, मैं त्याग और बलिदान की भावना रखी, मैं तहसील में काम करने की भावना रखी, मैंने कोई गिला शिकवा को नहीं, लोगों जगह गांव में है मेरा विरोधी है, मैं बन कहना चाहूं न नो मन तेल है वो न राधा नाचेगी थे उल्टा पुल्टा सट्टा ना मार लियो, मैं गांव में सीधा ही जीती सीधा ही जीतूंगा, मैं जीऊंगा इतने मलखेड़ा मारू बनी, मैंने मलखेड़ा में नहीं पूरी तहसील में दलाली बंद करी है, जो थाने में ले जाकर के उनका राज होता था और थाने में ले जाकर के बेच के आते थे लोगों को जेब पड़वाते थे, बा लोगों मैं कहना चाहूं कहते सावचेत हो जाओ थे कितो जोर मार लियो, अठे 1 दिसंबर में उछाया पार्टी ज्वाइन करी इतना ही लोग आवे दिन वह दिन थाने में कहो अगलो चुनाव जीतांगा और 40,000 वोटों जीतांगा, आज मैं कहना चाहूं चुनाव जीतांगा होते 2023-16 में विधानसभा को 50,000 वोटों जीतांगा, मैं थाने स्पष्ट कहना चाहूं गहरे गहरे 7 पंचायत हारे आप फिर भी 23,000 जीत्या आप गहरे गहरे आर्या शहर और तीसरे नंबर पर 50,000 वोट आया, अब की बार शहर में भी 15,000 वोट आना, मैं तुम्हें सारे साथियों बताना चाहूं जगह लोग का नठा बोला और आ कहा क्या बलवान पुनियो तहसील की समस्या है, जयदीप कहो आवाद जयदीप भाई जी थारे कौन जी में आवाद वो गंदियाड़ो मिली 15 दिन पहले कहो क्या मैं उज्जो जीतूंगा जो थे मेरा नयो रूप देखोगा, मैं तो कहो और नयो रूप फिर तानूंगी कह फिर तानूंगा कह, जयदीप तेरे समझ में बोनी है डॉक्टर सुरेश चौधरी के समझ में बोनी आंदी डॉक्टर मिले बन गए 2003 में एन बाबू जी नारा गए छठे बिन्ने डॉक्टर की फील्डिंग पाड़ दिए
एनी फील्डिंग डॉक्टर पाड़ी बोली बलवान पुनिये भिड़ता ही जकी गलती जयदीप करी डॉक्टर सुरेश चौधरी करी बा गलती करन कोंदी मैं एनी फील्डिंग पाड़ी भिड़ता ही एगो दलाल थाना में छोटे हो रहे दलाल एस डी एम दफ्तर में छोटे हो मैं दलाल कूक नहीं मारता फिर बाकी जनता कसेगी अपने संग है मैं थाने कहना चाहू पूरा ऐसी समाज पूरा दलित समाज पूरो को पूरो अल्पसंख्यक समाज नाई खाती तिल्ली धोबी शामी तरवर किसान सारी बिरादरी छत्तीस को बलवान को नहीं सके हैं। मैं तो मैंने कहना चाहूं बाबू जी निर्भंग आदमी तापड़ा मत तोड़ो कुछ नहीं हो सकता तुम्हें बलवान पूनिया के पसीने की कीमत का पता नहीं है तुम बावड़े हो तुमने ये कह दिया कि बलवान पूनिया ने सरकार बचाई तब रुपये ले लिए तुमने ये कह दिया कि बलवान पूनिया ने राज्यसभा का वोट दिया तब रुपये ले लिए हाँ ले लिए मैंने कॉलेज खुलाए 3 सड़क बनाई 450 करोड़ की बीमा लाया 1600 करोड़ हॉस्पिटल मनखेड़ा समेत 4 खुली है पीएचसी एक खुला है सीएचसी एक खुला है 29 करोड़ की लागत से बना उप जिला अस्पताल पता है 450 करोड़ रुपए के नहरों के काम झां झां खाड़े 100 खाड़ों के टेंडर हुए हुए हैं आचार संहिता हटते ही अगले दिन चेजी शुरू हो जाएगी नई भट्ठों की ईंट निकल जाएगी अगले 5 साल बलवान पूनिया के स्वीकृत कराए हुए पैसे से काम चलेगा बाबूजी और उनके दलाल चाहते हैं कि तुम जीत जाओ 20% कमीशन खाओ ये नहीं हो सकता बलवान पूनिया के जीतते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते बलवान पूनिया की पसीने से और बलवान पूनिया की चमड़ी से पैसे स्वीकृत हुए थे एक एक पैसा मेरी चमड़ी से निकला था अगर पैसा यूं ही मिलता तो तुम तो राज में रहे थे तुम लेते बापू जी की एमएलए कोटे से अलावा 500 मीटर सड़क बनाने की औकात नहीं थी वो मलखेड़ा में खड़ा होकर के मेरे से औकात पूछता है हाँ बापू जी मेरे पास जमीन सिर्फ 4 बीघी है पर मलखेड़ा के लोगों तुम्हारी जमीन नहीं बढ़ी तो बलवान पुनिया ने भी अपनी जमीन नहीं बढ़ाई तुम्हारे अगर कोठियां नहीं बढ़ी तो बलवान पुनिया की भी कोठी नहीं बढ़ी तुम जैसा खाते हो बलवान भी वैसा ही खाता है लेकिन बलवान पुनिया पूरे हिंदुस्तान का लाडला है ये बात पूरा हिंदुस्तान कहता है और 22 तारीख को रैली होगी 22 तारीख की रैली में 1 लाख लोग आएंगे 1 लाख लोग जितने तुम्हारी रैली में लोग आएंगे बाबूजी से कहना चाहता हूं खुली और नंगी चेतावनी है जितनी तुम्हारी रैली में लोग आएंगी मेरी रैली में उतनी माता और बहने आएंगी मैं बाबूजी से कहना चाहता हूं तेरे जैसे 1000 एमएलए कुर्बान है बलवान पूनिया ने जो नई रिवाज डाली है सीधा मिलने की सीधा फोन उठाने की तू कह रहा था 27 अगस्त को जा कि बलवान पूनिया की क्या औकात है आप कह कागो मैं सीधा ही मिले करूंगा तो पहली भंगो मिल तो हो गई अब कह मैं आगू फोन सीधे चके करूंगा बीच पर बनाई चकनी बैठा फोन आ रहा है 25 तारीख बाद में अब हाँ किया मिल ली तू तो कौन बलवान पूनिया ने कुछ पूछे और काम ने कुछ पूछे अरे काम की रौनक है काम की रौनक वोट पढ़ने शुरू हो गए वोट पढ़ने शुरू हो गए पिछली बार मैंने बाबूजी को रहा था 9:30 बजे आपके आशीर्वाद से अब की बार आपके आशीर्वाद से बाबूजी को रहूंगा 9 बजे 9 बजे रहूंगा और जो लोग सत्ते के बल पर चुनाव लड़ना चाहते थे मैंने इस मलखेड़ा की धरती से इसी जगह से शुरू करा था न कभी हमने सत्ते की तरफ देखा ना कभी हमने राज की तरफ देखा ना हमने कभी टिकटों की तरफ देखा हम तो लड़े हम तो ये कह करके लड़े चलो रे साथी चलो रे हमदम चलो रे साथी चलो रे हमदम चलो कि मिलकर सोलो में गुल खिलाए चलो कि मिलकर गदर मचाए गदर मचाना काम है अपना जे कोई पूछे नाम है अपना तो कह दो रे भाई बाकी नाम है अपना ये बगावत का नाम है बलवान पूनिया बलवान पूनिया को एक दिन में तैयार हो जाता है 20 साल लगते हैं 20 साल एमएलए बनने के बाद जैसी तपस्या मैंने करी है पेट के गांठ लगाइए लोग कहते थे मौका है कर लो व्यवस्था ये कर ली देखो मेरी व्यवस्था ये मेरी व्यवस्था है ये मेरी व्यवस्था है मेरे खाते में कुछ नहीं मेरे पास जमीन कुछ नहीं बड़ी लेकिन ये सारी धरती मेरी है हम मेहनत कर सकने वालों से जब अपनी धरती मांगेंगे हम मेहनत कर सकने वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे एक गांव नहीं ये खेत नहीं हम पूरी दुनिया मांगेंगे हम पूरी दुनिया मांगेंगे
बलवान पूनिया के लिए पूरी धरती पूरा संसार एक है। इस कमेरे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बलवान पूनिया धरती पर आया था। बखूबी लड़ रहा हूँ, फराकेदार लड़ रहा हूँ, फराकेदार लड़ूंगा। बाबू जी जैसे लोगों के तो सोच नहीं था, बलवान पूनिया जहां तक सोचता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री मलखेड़ा में कह के गया था कि बंदे की दूरदृष्टि है, मेरी अगर दूरदृष्टि नहीं होती तो मैं MLA बनने का कभी सपना नहीं देखता। मेरी दूरदृष्टि क्या है, मैं 3 तारीख को गांधी पार्क से लेकर के और सार प्लस तक की जो भीड़ होगी मूर्ति चौक पर बताऊंगा मेरी दूरदृष्टि क्या है। मैं उसका खुलासा आज नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हम ये चुनाव जीतेंगे, इतनी मजबूती से जीतेंगे कि कोई विरोधी, कोई भाजपा, कोई फूल वाला हमें हरा नहीं सकता। एक भाई ने कहा था कि फूल नहीं खिलेगा, अब के बाद तो नरने की कोखिलो नहीं फूल है। अच्छा कोई थोड़ी गिले बात राम, मैं कहना चाहूं भाई जी बापू जी ने कहना चाहूं बंग आदमी ने बड़े प्यार हूं कहना चाहूं थे बहुत बावड़ा हूं थाना नचो ही को नहीं थे बारह जाके लोग मैंने डराना चाहूं थे बारह जाके लोग डराना चाहूं मैंने मैं कि डरू मन सरियों मार के गया लोग 150 सरिये लगे मेरे शरीर पर। सारे लोग ये सोच रहे थे पता नहीं बलवान बचेगा कि नहीं बचेगा। बलवान 27 सितंबर 2012 को फिर मंच पर खड़ा हो गया, फिर बोलने लग गया। मैं बेबाक बोला हूं, मैं मजबूती से बोला हूं, मैं कहता हूं हम बलवान, तुम बलवान, सब बलवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, बलवान। मैं आदिवासी को, मैंने राजस्थान के दलित को, मैंने राजस्थान के अल्पसंख्यक को, मैंने राजस्थान की महिलाओं को, मैंने राजस्थान के बेरोजगारों को संबल दिया है, हिम्मत दी है। मैं आवाज बना हूँ, एक बार फिर कहना चाहता हूँ हम आपकी आवाज बनेंगे। अगर आप चाहते हैं बलवान पूनिया बोले, विधानसभा में बोले, तो बलवान पूनिया को 22 तारीख को आकर के समर्थन दो और जन आशीर्वाद दो और 25 तारीख को दांतिये थोड़ा सितारा का बटन दबाओ। मैं कहना चाहता हूँ उन भाइयों से जो उन भाइयों को किसी ने अक्कल निकाल ली, अरे खोपड़े में दिमाग डाल के देखो। बिश्नोइयों के गाँव में रहता हिरण, जिसको लोग जानवर बोलते हैं, वो भी इतना शाना है कि बिश्नोइयों के गांव में रहता है, पता है बिश्नोई हिरण को मारने नहीं देते हैं। बलवान पूनिया ने किसी गरीब को मारने नहीं दिया, अगर मारने दिया भी तो उसको घीस करके छाया में गिरने की बात करी है। बलवान पूनिया ने किसी का अंतस विरोध नहीं करा। अगर मैं अंतस विरोध करता, अगर मैं दुर्भावना की राजनीति करता तो बाबू जी का साथ SDR का खड़ा नहीं बनता। मुझे पता है वहां किसान बाबूजी के अलावा छोटे किसान भी हैं, मेरी तरह 4 बीघे वाले किसान भी हैं। बलवान पूनिया ने जिस आदमी को मीठा पानी पिलाया 70 साल बाद, आज वो कह रहा है विकास तो हुआ ही नहीं। मलखेड़ा वाली सड़क पर चल के आने वाले BJP के कार्यकर्ता इसी चौक में बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं विकास तो हुई को नहीं। मैं बार कहना चाहूँ भाई जी थारी नजर होगी कमजोर कमजोर थे मुर्गे ने कह गया मोर थाने बेरो कोन पटे थारे मोती आदि धोरी हुए थे इतनी न्यूज टाप कर रहे हो थाने अंदाजो को नहीं बोले जाओ थाने अंदाजो को नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल को ये गरीब घर के भाइयों ये साधारण किसान के बेटे बेटियों ये साधारण किसान साथियों इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके बच्चों की तकदीर बदल देगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके बच्चों को तरक्की की तरफ लेके जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो बलवान दुनिया की तरह धाड़ेगा। अब बलवान पूनिया की बात तो मैं छोड़ी है, बाकी बात सारी बाबा साहब की कही है। मैं मलखेड़ा गांव में कहना चाहूं बहुत बहुत धन्यवाद कि मारो तो जोर जोर स्वागत करो। और एक बात और कहूं मंच पर बैठे सारे जनप्रतिनिधियां थाने 22 तारीख खतर तो लियो लोगन, अगर नहीं टोकोगा तो लोग ओढ़ में बोल देना। साधन ये भी कर लो चुनाव तय है। बलवान से कहना चाहता हूँ खगेड़िया से, बलवान 22 को नहीं, चुनाव तय हो चुका है, अब तो आपको जीत का अंतर बढ़ा करना है ताकि मेरी दिल्ली में, ताकि मेरी पूरे हिंदुस्तान में इज्जत बढ़े कि बलवान पूनिया किसानों के लिए बोला है, दलितों के लिए बोला है। मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूँ निनाण चलेंगे सारे साथी, निनाण के चौक में 15 मिनट बाद हम बोलेंगे। मैं 5 मिनट नोर परिवार के जाके आ रहा हूँ, उसके बाद आप सारे साथी निनाण चलोगे, वाया नांगर शेरपुरा कच्ची सड़क पर चलोगा, निनाण के चौक में पहुंचोगा, निनाण बाल बसे साथी जुटे।